स्टार्ट करते हैं वर्ब एक्सरसाइज में टीवी एंड आईटीवी। आज से जो स्टार्ट होने वाला है वर्ब के लिए टीवी आईटीवी पूरी इंग्लिश के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ कॉपी में, आप कंप्लीट ऐसा कैसे अपने खुद में नोट्स बनाए उसको पढ़ें, ठीक है, क्योंकि यही पूरी इंग्लिश में काम आएगा जब तक मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें उनको देखते हैं। पहले पहला है बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आएगी, जैसे इच के बाद डू कभी भी नहीं आएगा, है ना। मतलब बी के बाद बी की जो फॉर्म से सारी जेमार वाज वर्ड बी बी बीन, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आएगी। नहीं आएगी मतलब कभी भी नहीं लिखनी है, जैसे दिख जाए गलत है सेंटेंस, ठीक है। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, सही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वर्ब, वो वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, टीवी होनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। वो जो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये जो वर्ब है वो टीवी होनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। आगे बताऊंगा ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, पहले याद रखो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छे से याद रखो। बी के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, पहले मैंने बता दिया राम इज गुड, इसके बाद गुड आ रहा है, गुड एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे निकालते मैंने अच्छे से समझाया, बार बार बोल बोल के समझाया, तुम गुड हो तुम बैठ हो ऐसे रिदम पकड़ो। कॉन्फिडेंट निकालने तो तुम गुड हो तुम बैठ हो तुम कॉन्फिडेंट हो, तो कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे बार बार समझाया मैंने, पूरे वीडियो देखो तब जाके समझ में आएगा कि क्या बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं हर वीडियो में फिर भी समझाता हूँ, लेकिन आप कंप्लीट वीडियो देख लोगे एडजेक्टिव का तो अच्छे से समझ में आ जाएगा एडजेक्टिव। बी के बाद वर्ग की फोर्थ फॉर्म आ सकती है आई एन जी वाली, ये भी सही है। समझ में आ रहा है, आराम से समझा रहा हूँ, वीडियो सर लंबा भी खिंच जाए तो कोई डर नहीं, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी की फॉर्म में क्या क्या आ सकता है, इज एम आर वॉज वर बी बींग और बीन, ये सब बी में आते हैं, ये जो बी है ये सब आते हैं इसमें। यहाँ भी जो बी है सबकी जगह ये लिख सकते हैं अपन। बात करें सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं, एक्टिव सब्जेक्ट और पैसिव सब्जेक्ट। बात करें एक्टिव सब्जेक्ट, जो खुद कार्य करता हो, मतलब वो खुद इन्वॉल्व होता हो किसी चीज़ में, खुद इन्वॉल्व होता हो मतलब उसमें खुद भाग लेता हो किसी कार्य को करने में, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ आई एम रनिंग, तो खुद दौड़ रहा है तो रन आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्टिव सब्जेक्ट हो जाएगा। पैसिव सब्जेक्ट जिस पर कार्य किया गया हो, जिस पर कार्य किया गया यानी कि उसने काम नहीं किया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं सब, ये एक तरह से नाउन ही तो होते हैं ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सारे के सारे नाउन ही तो होते हैं, क्यों नाउन नहीं होते। राम क्या है, नाउन है। किताब क्या है, बुक क्या है, रजिस्टर क्या है, ये सब नाउन है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन ही है, सिंपल। नाउन में नीचे से समझाया। बात करें पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट यानी जिस पर कार्य किया गया हो, जैसे कि आई डिड दिस, मैंने ये किया। अब इसको मैं अगर मैं पैसिव में बनाऊंगा, आई डिड दिस को, आई डिड दिस को मैं पैसिव बनाऊंगा तो क्या बनेगा, जैसे यहां पे बना रहा हूं मैं आई डिड दिस, ये तो हो जाएगा एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। इसका पैसिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस इज डन बाय मी। तो यहाँ पे जो ये दिस है ना, ये दिस ये क्या है, पैसिव सब्जेक्ट है, और पैसिव सब्जेक्ट हमेशा किस में आएंगे, ऑब्वियसली बात है पैसिव सेंटेंस में आएंगे, क्यों। एक्टिव सब्जेक्ट किस में आएंगे, एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएंगे, पैसिव सब्जेक्ट में, पैसिव सेंटेंस में, ठीक है। आगे चीज समझाऊंगा, यानी कि ये जो दिस पे कार्य किया गया है बाय मी, मेरे द्वारा, तो इसने दिस ने कार्य थोड़ी ना किया है, दिस इज डन बाय मी, इसने तो कार्य नहीं किया तो बस बैठा है, दिस इज डन बाय मी, मेरे द्वारा किया गया, तो इस पर कार्य किया गया तो क्या हो जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट। और आई डिड दिस, सॉरी यहाँ पे ये यहाँ वाज आएगा, आई डिड दिस पास्ट की बातें, तो दिस वाज डन बाय मी, तो ये हो जाएगा पैसिव सब्जेक्ट, ये हो जाएगा एक्टिव सब्जेक्ट, आई एक्टिव दिस पैसिव, ठीक है, क्योंकि इस पे कार्य किया गया मेरे द्वारा। वापस नीचे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको, एक्टिव सब्जेक्ट जो खुद कार्य करता हो, जिस पर कार्य किया जाता हो। बात करें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, जो वर्ब के ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये एक बार और अच्छे से, ये रोज ही चलेंगे तो रोज ही समझाऊंगा मैं इनको, ज़्यादा टेंशन मत लेना, समझ में नहीं है तो अगला वीडियो देखना, कमेंट में कोई क्वेरी हो तो उसको डाल देना, मैं समझा दूंगा। अगले दिन फिर अपन टीवी आईटीवी पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर समझाऊंगा। टीवी क्या है,
इसमें इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर जाता है, इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर जाता है। जैसे वर्ब से पूछेंगे फिलहाल अभी इतना सुनो, जैसे इसमें इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन ही होते हैं एक तरह से, सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन होते हैं। आईटीवी क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट प्रभावी होता है तथा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट प्रभावी होगा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे सिंपल सी लाइन बोलूँ मैं, जैसे आई रन, आई यहाँ पे लिखता मैंने आई आर यू एन, आई रन मैं दौड़ता हूँ, आई रन मैं दौड़ता हूँ, यानी कि दौड़ता हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, कौन दौड़ रहा है, रन हु, हु कौन, हु रन से पूछो, हु एच डब्ल्यू हु एच डब्ल्यू ओ हु, तो कौन जवाब देगा, आई जवाब देगा कि मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर एक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ रही रन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी ये रन, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। बस सुनते रहो मैं जो बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनो ध्यान लगा के। इसमें सब्जेक्ट प्रभावी होता है, जैसे मैंने बोला था आई रन, आई रन में दौड़ता हूँ, तो सब्जेक्ट ही है प्रभावी यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो इंट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट प्रभावी होता है। बात करें ट्रांजिटिव की पहचान कैसे करें, जब मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट जाता है, अब ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट जाता है, पहले ट्रांजिटिव तो पता करें ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव को पहचान के लिए क्या कैसे पता करते हैं, व्हाट या होम से क्वेश्चन पूछो वर्ब से, तथा आंसर या प्रभाव ऑब्जेक्ट पर जा रहा हो तो टीवी होती है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी जस्ट ऊपर, जैसे मैंने दिया था आई डिड दिस, अब जो डिड है ना, ये डिड डू की फॉर्म है, तो ये क्या टीवी है, वो कैसे है मैं बताता हूँ। डिड से फूटो पूछो इससे व्हाट, व्हाट या होम से किसी से भी एक से क्वेश्चन पूछने मगर ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट ट्रांसफर होता है ना, तो वो टीवी है। डिड से पूछो व्हाट, मैंने किया है, मैंने यह किया, किया क्या किया, व्हाट यानी क्या, क्या किया, डिड से पूछो क्या किया, अब इफेक्ट क्या है इस पे जा रहा है ना, डिड दिस मैंने ये किया, क्या बोल रहा है ये, आई डिड दिस, मैंने डिड से पूछो व्हाट, क्या किया तुमने, डिड दिस ये किया मैंने दिस, तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ही तो है दिस, तो ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, तो डिड क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। समझ में आया, थोड़ा बहुत भी आया। ट्रांजिटिव क्या करता है, ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट ट्रांसफर करता है, और ट्रांजिटिव की पहचान कैसे करते हैं, व्हाट या होम से क्वेश्चन पूछो जस्ट बाद, डिड व्हाट मैंने पूछा, यहाँ पूछा व्हाट या होम से क्वेश्चन पूछो वर्ब से, वर्ब से क्वेश्चन पूछा डिड, वर्ब यहाँ डिड ही है, इससे क्वेश्चन पूछा मैंने व्हाट क्या, मैंने आई डिड मैंने किया, व्हाट क्या किया, दिस ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट ट्रांसफर हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये टीवी हो जाएगी, और यह आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका सब्जेक्ट है, ये सही। पूरा खोल के बताऊं कैसे खुलता है पूरा वो, ठीक है आगे चलते हैं। समझ में आ गया, इसमें सब्जेक्ट, इसमें टीवी में इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होता है, और आई टीवी में सब्जेक्ट प्रभाव होता है, और टीवी की पहचान व्हाट होम से क्वेश्चन पूछो तथा आंसर प्रभाव ऑब्जेक्ट पर जा रहा होगा, तो टीवी है। अब जो ये ऑब्जेक्ट है, ये दिस, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ये जो ऑब्जेक्ट है दिस, ठीक है, ये कहाँ कहाँ आ सकता है, किस किस के बाद आ सकता है, एक तो टीवी के बाद आ सकता है, टीवी के बाद तो आना ही पड़ेगा इसको, क्यों, क्योंकि टीवी को जस्ट बाद इसको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ये टीवी थी इसके जस्ट बाद इसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो टीवी के जस्ट बाद तो आएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद भी आता है। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ आता है, एक तो टीवी के बाद आता है, और एक प्रीपोजिशन के बाद आता है, ठीक है समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्ट है टीवी के बाद क्योंकि आना ही पड़ता है, और एक प्रीपोजिशन के बाद भी आता है। बस सुनते रहो, अच्छे से समझते रहो, मैं बताऊंगा अगला वीडियो फिर आएगा उसमें अच्छे से समझाऊंगा फिर से यही चीज़ सारी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है पूरी इंग्लिश में। अब सेंटेंस देखते हैं, सी शुड ब्लैंक स्पेस फॉर आईएएस एग्जाम, ऑप्शन में दे रखा है प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन और प्रिपेयर, क्या आ सकता है आप बताओ, शुड दे रखा है तो शुड क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे ऑप्शन आपको ऐसे दिख जाएगा कि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये लगा दो। ये क्या है प्रिपरेशन, बताया था मैंने नाउन है, कैसे पता करते है? कैसे पता करते हैं नाउन, बोलो बोलो सभी बोलो कैसे, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी प्रिपरेशन, तो क्या हो जाएगा, बोलने में से लगा यानी कि ये नाउन है। और ये जो पोजीशन है, किसकी पोजीशन है, देखो आप खुद देखो किसकी पोजीशन है, शुड के बाद वर्ब आनी चाहिए,
मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, नाउन तो आएगा नहीं तो वैसे गलत हो जाएगा। प्रिपेयर्ड शुड के बाद वर्ब की सेकंड नहीं कभी भी मॉडल के बाद, तो वैसे गलत है। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं ये फोर। फोर क्या है? प्रीपोजिशन है, सबको पता है। आईएएस एग्जाम क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने अभी बताया ऑब्जेक्ट किस चीज के बाद आ सकता है, या तो प्रीपोजिशन के बाद आएगा या फिर टीवी के बाद आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये आईएएस एग्जाम ऑब्जेक्ट किसका है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब सी शुड प्रिपेयर, उसके प्रिपेयर करना चाहिए आईएएस एग्जाम के लिए। अब जो प्रिपेयर है, ये टीवी है आई टीवी है, पता करो। कैसे पता करते हैं? टीवी होगी तो व्हाट या होम से क्वेश्चन पूछने में जवाब देगी ऑब्जेक्ट का, बट यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ये जो ऑब्जेक्ट है तो इस प्रीपोजिशन का है, पर यहाँ पे सीधी वर्ब आ रही है, तो यहाँ पे तो कुछ फोर और यहाँ पे फोर के और प्रिपेयर के बीच में तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता है ना। तो फिर ये क्या चीज़ है? प्रिपेयर, सी शुड प्रिपेयर, उसको प्रिपेयर करना चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ रही, उसको प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्रदान हो रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्रभावी हो रहा है ना, इफेक्टिव है सब्जेक्ट यहाँ पे, उसको प्रिपेयर करना चाहिए आईएएस एग्जाम के लिए। अब किसी भी सेंटेंस की अगर हिंदी करो तो पीछे से किया करो, कैसे? आईएएस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहिए उसे, मतलब ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करो, या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ले लो या फिर ट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट ले लो। कैसे स्टार्ट करो? आईएएस एग्जाम के लिए तैयारी, प्रिपेयर है ना, तैयारी। शुड यानी चाहिए, सी यानी उसे, आईएएस एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए उसे, खुल रहा है ना पूरा सेंटेंस। यहाँ पे ये प्रभावी सब्जेक्ट प्रभावी है, तो ये क्या हो जाएगा? आईटीवी हो जाएगा, और आईटीवी होगा, अगर टीवी होता तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट चाहिए होता अपन को, टीवी का ऑब्जेक्ट चाहिए होता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो फोर का है, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट चाहिए होता प्रिपेयर के लिए, तो ये तो आईटीवी होगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यू कैन ब्लैंक स्पेस द इंटरव्यूअर्स, क्या क्या है ऑप्शन में? इंप्रेशन, इंप्रेसिव और इंप्रेस। सिंपल सा पता है, ऐसे सबको पता है यहाँ कि भाई क्या पढ़ा रहा है लोकेश भी, कि मॉडल के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, सबको पता है इंप्रेशन आएगा नहीं, यहाँ पर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यही है तो यही आएगा। हाँ मुझे पता है यही आएगा, लेकिन मैं बाकी चीज़ें ही समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। वो क्या है? वो ये है कि कैन क्या है? मॉडल है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है भाई साहब आ गई। लेकिन जो इंटरव्यूअर है ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? द इंटरव्यूअर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है किसके ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट किस किस के होते हैं? दो के होते हैं, या तो प्रीपोजिशन के होते हैं या फिर टीवी के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के। तो ये जो ऑब्जेक्ट है द इंटरव्यू किसके हैं? यहाँ पे प्रीपोजिशन तो दिख नहीं रहा, प्रीपोजिशन नहीं दिख रहा, तो ये फिर ये इंप्रेस क्या हो जाएगा? ये टीवी होगी, ये तो अपन ऐसे देख लिया, ये टीवी होगी, ठीक है। बट ये टीवी है, कंफर्म तो कर ले एक बार और अच्छे से कंफर्म कर ले, क्योंकि ये तो पता चल गया कि यहाँ एक ही चीज़ आ सकती है, वो इंप्रेस ही आएगा, और इस इंटरव्यू के लिए अपन को टीवी चाहिए, क्योंकि प्रिपोजिशन तो यहाँ है नहीं, तो ये टीवी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो के बाद आता है, या तो प्रिपोजिशन का या टीवी का। अब इसको टीवी और कर लेते, टीवी है या नहीं है, इंप्रेस करना। व्हाट या होम से क्वेश्चन पूछो, व्हाट से क्वेश्चन पूछा, इंप्रेस व्हाट, तो सही जवाब नहीं मिला, इंप्रेस करना क्या। लेकिन अगर होम से क्वेश्चन पूछ लेंगे इससे अभी, इंप्रेस होम किसे, होम यानी किसे, इंप्रेस किसे, इंप्रेस होम, इंप्रेस किसे, इंटरव्यूअर्स को, किसको? इंटरव्यूअर्स को। तो क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट किसके हो जाएंगे? इस टीवी के, इंप्रेस के। तो कैन के हिसाब से इंप्रेस टीवी हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई टीवी के रूप में, और इस टीवी के लिए ये जो इंटरव्यूअर्स है ये ऑब्जेक्ट हो गए। अब इसकी हिंदी करते हैं, कैसे करेंगे? इंटरव्यूअर्स को इंप्रेस कर सकते हो तुम, पीछे से स्टार्ट करो, इंटरव्यूअर्स को इंप्रेस कर सकते हो तुम, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इंप्रेशन क्या है? नाउन है। नाउन कैसे निकालते? तुम्हारा पेन, तुम्हारा रजिस्टर, तुम्हारा इंप्रेशन, नाउन हो जाएगी, सही है। इंप्रेसिव, इंप्रेसिव का एडजेक्टिव, कैसे पता चला? तुम गुड हो, तुम बेड हो, तुम इंप्रेसिव हो, तो यहाँ पे एडजेक्टिव भी नहीं आता है, ये पोजिशन एडजेक्टिव भी नहीं है, ये पोजिशन नाउन की भी नहीं है, तो दोनों तो वैसे नहीं आएंगे। तो एक ऑप्शन रिजेक्शन मेथड से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, बहुत अच्छी तरह से। आगे देखते हैं। आईसीसी मस्ट ब्लैंक स्पेस टेस्ट क्रिकेट, मस्ट के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे एक ही वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, पॉपुलराइज। पॉपुलर क्या है? एडजेक्टिव। कैसे पता चला? तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, तुम पॉपुलर हो, तो ये तो एडजेक्टिव, तो ऐसे ही नहीं आएगा, वर्ब आनी चाहिए, ये तो एडजेक्टिव पोजिशन है नहीं, तो गलत। पॉपुलरिटी, पॉपुलरिटी क्या है? नाउन है। कैसे पता चला मुझे?
तुम्हारा पेन, तुम्हारा रजिस्टर, तुम्हारी पॉपुलैरिटी, बोलने में सही लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा नाउन, और यहाँ पे नाउन आ नहीं सकता क्योंकि मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये नाउन की पोजिशन है, तो ये भी गलत। बात करें पॉपुलराइज, ये क्या है, वर्ब है। कैसे पता चला, इसमें वर्ब कैसे निकालते हैं, वर्ब में या तो आईएनजी लगा दो या ईडी लगा दो, दोनों में से कुछ भी एक्सेप्ट कर रहा है तो वो वर्ब है। पॉपुलराइज्ड, ईडी एक्सेप्ट कर रहा है तो ये वर्ब है, ये तो पता चल गया वर्ब है। लेकिन वर्ब में भी कौन सी वर्ब है पता करें, टीवी है या आईटीवी है। अब यहाँ पे एक ही चीज आ सकती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, टेस्ट क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है पूरा, पूरा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट किस किस का होता है, या तो प्रीपोजिशन का होता है या ट्रांजिटिव वर्ब का होता है। यहाँ पे प्रीपोजिशन है नहीं, ये ट्रांजिटिव वर्ब ही होगी, कन्फर्म सबको पता है ट्रांजिटिव वर्ब, तो अभी तो इसका ही ऑब्जेक्ट बनेगा। चलो और कन्फर्म कर लेते हैं, ट्रांजिटिव कैसे पता करते हैं, व्हाट या हुम से क्वेश्चन पूछो, व्हाट या हुम से, पॉपुलराइज, पॉपुलराइज करना, पॉपुलराइज व्हाट, पॉपुलराइज व्हाट, व्हाट से जवाब, व्हाट से क्वेश्चन पूछा मैंने, पॉपुलराइज, पॉपुलराइज व्हाट, क्या, टेस्ट क्रिकेट, पॉपुलराइज करना उसको, मतलब आगे, मतलब ज़्यादा उसको प्रसिद्धि देना, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध करना, प्रसिद्ध करो, प्रसिद्ध करो, क्या, प्रसिद्ध करो, क्या, क्या, कैसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट से क्वेश्चन पूछा, क्या, तो क्या जवाब दे रहा है, टेस्ट क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट को पॉपुलराइज करो, क्या पॉपुलराइज करो, टेस्ट क्रिकेट को। तो व्हाट से क्वेश्चन पूछने पर ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, टीवी, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईसीसी मस्ट पॉपुलराइज टेस्ट क्रिकेट, हिंदी क्या करेंगे, टेस्ट क्रिकेट को पॉपुलराइज करना चाहिए आईसीसी को। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ, क्या होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, शशांक मनोहर, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में। करंट अफेयर के वीडियो डालता हूँ, उनको भी देखा करो, उनमें हर एक चीज़ समझाता हूँ मैं। अगला देखते हैं, आई कैन ब्लैंक स्पेस टी, यहाँ पे क्या आएगा, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रिपेयर। अभी जो प्रिपेयर है क्या है, टीवी है, ऑब्वियसली बात है टीवी है, क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पे टीवी आएगा तभी तो ये ऑब्जेक्ट है, ये टी क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दो का होता है, या तो प्रीपोजिशन का या टीवी का, प्रिपरेशन तो दिख नहीं रहा तो ये टीवी ही होगा। और कंफर्म कर लेते हैं, प्रिपेयर करना यानी तैयार करना है, प्रिपेयर से क्वेश्चन पूछो व्हाट या हुम से, प्रिपेयर से क्वेश्चन पूछो, प्रिपेयर व्हाट, क्या, क्या, प्रिपेयर व्हाट, तैयार करो क्या, क्या, तो ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो टी, तैयार करो क्या, टी, ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो तो क्या हो जाएगी, टीवी हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या चीज़ समझाई और कैसे समझाई वो चीज़, मुझे पता है, ऐसे कोई भी टीचर नहीं समझाता क्योंकि इसमें समझाने के लिए बहुत जान लगानी पड़ती है, उल्टा देते हैं रूल ही रूल, क्या इसको याद कर लो, इसके बाद ये, इसके बाद वो, बहुत मेहनत लगती है। कल अपन वापस टीवी आईटीवी पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बाकी जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो, क्योंकि जो जिस तरह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ना कहीं भी नहीं पढ़ाता कोई ऐसे, ठीक है। और करंट अफेयर की वीडियो भी देखा करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।